हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामे की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड हान दावन और इसकी ट्विन सिस्टर एरन से, जो कि दावन को रेडी कर रही होती है क्योंकि आज इसका यूनिवर्सिटी में फर्स्ट दिन है। वो ट्विन सिस्टर्स होती हैं लेकिन एकदम डिफरेंट होती हैं। दावन एक सिंपल लड़की है और इसे स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और यहाँ तक कि वो हमेशा टॉप करती है। और जहाँ एरन की बात की जाए, इसका मेकअप, पार्टी और ब्यूटी में ज्यादा इंटरेस्ट है। एरन स्टडी में हमेशा से एलर्जिक होती है और इसी वजह से वो स्कूल में फेल हो जाती है और इसे कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं देता। और जहाँ दावन एक यूनिवर्सिटी में जा रही होती है तो एरन इसको रेडी करती है और इसको कहती है कि यूनिवर्सिटी में पहला दिन तुम्हारा इम्प्रेशन बेस्ट होना चाहिए, जैसे कि तुम्हें कोई भी लूजर ना बुला सके। एक्चुअली दावन सुंदर तो है और स्टडी में भी बहुत अच्छी है, बट वो लुक वाइज सिंपल रहना ज्यादा पसंद करती है। इसलिए स्कूल में सब लोग इसे लूजर कहकर बुलाते थे और इसकी सिस्टर नहीं चाहती कि इसे कोई लूजर कहकर बुलाए, इसलिए वो इसको ब्यूटी टिप्स दे रही होती है। तभी उनकी मॉम की एंट्री होती है। वो दावन को बेस्ट विशेष देती है। वो दावन पर हमेशा प्राउड फील करती है, जबकि वो एरन को नापसंद करती है क्योंकि एरन कभी भी उसकी बात नहीं मानती और ना ही वो स्टडी पर तवज्जो देती है। उसकी मॉम उसे डांटती है कि तुम्हें भी अब स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में दावन यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही होती है। वो थोड़ी कंफ्यूज होती है, तभी वो काफी पी रही होती है। इस समय वो बहुत ज्यादा सुंदर और देखने में काफी हैप्पी लग रही होती है। तभी हमारा मेल लीड एक्टर हाईसुंग अपनी स्पोर्ट कार के अंदर आ रहा होता है। ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तभी हम देखते हैं दावन रोड क्रॉस करने लगती है, दूसरी तरफ हाईसुंग की कार करीब आ रही होती है, इसका एक्सीडेंट होने लगता है। तभी हमारे सेकंड मेल लीड एक्टर आके दावन को बचा लेता है। तभी दावन की कॉफी का कप इसके कपड़ों पर गिरकर इसका सत्यानाश कर देता है। पर वो इन सबसे बेखबर इस गाड़ी का नंबर नोट करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। तभी हाईसुंग आगे निकल जाता है और वो इस पर चिल्ला रहा होता है। तो दावन बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं। तो बड़े प्यार से बोलता है, कोई बात नहीं, इतने भी खराब नहीं हुए और तुम ठीक हो, तो वहाँ कहती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दावन इसे पीछे से देखकर कहती है, ये कितना अच्छा और हैंडसम है, हे मैंने इसका नाम तो पूछा ही नहीं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक वॉलीबॉल टीम को, जो इस यूनिवर्सिटी की ब्रिलियंट टीम होती है और इस टीम का कैप्टन कोई और नहीं हमारे सेकेंड मेल लीड होते हैं। वो न्यू स्टूडेंट को बता रहा होता है कि मेरा नाम गोईरा है, खबरदार किसी ने मुझे गुरीला कहकर पुकारने की कोशिश की वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। तभी वहाँ पर वॉलीबॉल टीम के कोच आ जाते हैं और वो जोर से चलाते हुए गुरीला गुरीला कहते हैं। तभी गोईरा का उसी से बुरा हाल हो जाता है और वो बाल जोर से कोच के सर पर दे मारता है, जिसकी टक्कर लगती ही कोच बेहोश हो जाता है। तभी गोईरा बोलता है, मैंने कहा था ना, मैं किसी को भी नहीं माफ करूंगा, भले वो कोई भी हो। बॉयज दौड़ते हुए कोच के पास जाते हैं और वो गोईरा को खूब बुरा भला कहते हैं कि अगर कोच को कुछ हो गया तो हम तुम्हें इस स्कूल से निकलवा देंगे। फिर वो कोच को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हाईसुंग को देखते हैं, वो अपना एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी में करवाने आया होता है। वो एडमिशन रूम में चला जाता है और वहाँ वो अपना फॉर्म फिल कर रहा होता है। दूसरी तरफ दावन भी अपना फॉर्म फिल करने इसी रूम में मौजूद होती है। तभी वहाँ पर एक टीचर आती है उनके फॉर्म चेक करने के लिए। वो सबके पास वन बाय वन जाती है कि तभी दावन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो दावन इनको पहचान नहीं पाती, तो वो कहती है, हेलो बट आप कौन हो। तो वो कहती है, मैं तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल की असिस्टेंट थी और तुम स्कूल की टॉपर हो और टॉपर हमेशा साइंस सब्जेक्ट ही चूज करते हैं, लेकिन तुमने बिजनेस चुना है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तभी वहाँ पर सारे स्टूडेंट इसको देखने लग जाते हैं, यहाँ तक कि हाईसुंग भी इसको मुड़कर देखते हैं क्योंकि वो स्कूल की टॉपर थी। तभी दावन को कॉल आ जाती है और वो इसे सुनने के लिए वहाँ से चली जाती है और इसकी स्टडी का टाइम टेबल हाईसुंग के डेस्क पर गिर जाता है। तो वो उठाकर इस टाइम टेबल को पढ़कर स्माइल करता है। तो नेक्स्ट सीन में दावन डोकसुन को देखती है, जिसने गुइरा जैसे कपड़े पहने होते हैं। तो वो इनका पीछा करते हुए वॉलीबॉल हॉल तक पहुँच जाती है। तो वो एक लड़के जिन्हा को देखकर कहती है, हेलो टीचर। तो इसको बहुत ही गुस्सा आता है। तो दूसरा लड़का भागते हुए इसके पास आता है और बोलता है, ये कोई टीचर नहीं है। तो बोलती है, सॉरी प्रोफेसर। तो जिन्हा को फिर से गुस्सा आता है। तो बनियांग बोलता है, प्रोफेसर भी नहीं है, वो बोलती अच्छा तो तुम दोबारा से स्टडी कर रहे हो। तो जिन्हा कहता है, मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा, मैं इसी साल हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ। दावन तभी शॉक में आ जाती है। वो दिल ही दिल में बोलती है, तुम देखने में तो बिल्कुल अंकल लग रहे हो। तभी गोईरा इनको चिल्लाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पर फालतू बाल फेंक रहा हूँ। तो दावन इसको देखकर कहती है, इसका नाम क्या है। तभी बनियांग कहता है, अच्छा कैप्टन, कैप्टन का नाम गोईरा है। तो दावन बोलती है, वाज लाइक गुरीला। तो गुरीला को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। तो गुस्से से इसकी तरफ देखता है। तो जल्दी से दावन को छुपा लेते हैं और सारे में बोलते हैं कि इसने कुछ भी नहीं किया। दावन ये सब हैरान होकर देख रही होती है कि इसने ऐसा क्या कर दिया। दूसरी तरफ हाईसुंग अपनी गाड़ी में बैठने लगता है कि तभी दो गर्ल्स भागते हुए इसके पास आ जाती हैं और बोलती हैं, उप्पा आप वही हो ना, एरिजोन्स कंपनी के मालिक हाईसुंग। तो मोटी वाली लड़की अपनी फ्रेंड से बोलती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उप्पा अपनी यूनिवर्सिटी में आए हैं। तभी वो जल्दी से इसे टच करती है। तो दोनों इस पर पूरी तरह से फिदा हो जाते हैं
जाती हैं। फिर दूसरी वाली इससे ऑटोग्राफ मांगती है, तभी हाय सुंग कहता है मेरे ऑटोग्राफ की तुम्हें क्या जरूरत है, मैं भी तो तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट हूँ। तो वह कहती है ठीक है, तुम ऑटोग्राफ नहीं दे सकते तो किस तो कर सकते हो। फैटी गर्ल इसको पीछे करके कहती है इसने ब्रश नहीं किया तो मुझे किस कर दो। तभी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ आ जाती है और वह हाय सुंग पर टूट पड़ती है, तो वो किसी न किसी तरह इनको डाज देकर वहाँ से निकल जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम हाय सुंग को घर पर देखते हैं, इसे इसकी कंपनी के डायरेक्टर समझा रहे होते हैं कि तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा बिजनेस पहले से सेट है। तो वो इससे कहता है ये मेरी चॉइस है तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और बेचारा डायरेक्टर चलाता रह जाता है क्योंकि वो मन का मौजी होता है, किसी की भी नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है। तभी इसका फ्रेंड आ जाता है और वो इसको समझाता है कि तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो वो बोलता है तुम्हें पता है मेरा सीक्रेट, मैं ऐसी गर्ल्स के पास बैठता हूँ जो टॉपर होती है, इससे मेरी बहुत ही हेल्प हो जाती है और मैं भी टॉप कर लेता हूँ। और जहाँ भी मुझे ऐसी लड़की मिल गई है जिसने बिजनेस चुना है तो मैं इसके पास बैठूंगा, इसी के साथ रहूंगा। तो नेक्स्ट सीन में गोइरा कोच के पास माफी मांगने आता है क्योंकि इसने जानबूझकर इसे हिट किया था। तभी इनकी डाटर सुबुन बाहर आती है और इसकी बहुत ही पटाई करने लग जाती है और कहती है तुमने जानबूझकर मेरे डैड को मारा, हाउ डेयर यू, तुम ये कैसे कर सकते हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है तुम्हारे डैड को भी सबके सामने मेरा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तो इसकी और भी कुटाई करने लग जाती है कि तभी कोच बाहर आ जाता है और वो डाटर से बोलते हैं कि तुम अपने भाई के साथ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है ये मेरा भाई कैसे हो सकता है, इसका इस घर से कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। तो गुइरा बोलता है जस्ट लाइक रिश्ता भले ही नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा प्यार किया है और डायरेक्टर को अपने डैड जैसा, तो एक डैड अपने बेटे को तो माफ कर ही सकता है। फिर वो रोने की एक्टिंग करने लग जाता है। तभी कोच बोलता है ओके ठीक है तुम रोना बंद करो और अंदर आ जाओ, कोच अंदर चला जाता है। तो अपना रोना बंद करके सोबन को चिढ़ाते हुए अंदर चला जाता है, सोबन को इस पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। फिर वो अंदर बैठे होते हैं तभी गोइरा एक बार फिर से माफी मांगता है, कोच इसे माफ कर देता है। फिर वो टीम पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी सोबिन इनको एक न्यूज दिखाती है, मोस्ट पॉपुलर वॉलीबॉल प्लेयर हाय जुंग ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। जिससे गुइरा और कोच की खुशी देखने वाली होती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर है और अगर हाय सुंग इनकी टीम में आ गया तो वो कोई भी मैच नहीं हार सकते। तभी गुइरा कोच से बोलता है कि मैं किसी भी तरह हाय जोनसू को अपनी टीम में लेकर रहूंगा। और दूसरी तरफ दावन अपनी सिस्टर को बता रही होती है कि एक लड़के ने आज मेरी जान बचाई थी। तो वो कहती है क्या, दावन कहती है कि मुझे वो पसंद आ गया है। तो एरन कहती है तुम उसे पसंद करती हो, क्या तुम्हें इसका नाम पता है। तो वो कहती है इसका नाम गुइरा है। तभी एरन भी इसका मजाक बनाती है कि गुरीला, इसका नाम लेकर मजाक उड़ाती है। दावन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुइरा इसका पहला क्रश है। तो फ्रेंड इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ड्रामे की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय के लिए मुझे कमेंट जरूर करना, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।